है। ओके, लेट मी बेटा अगेन हैव दिस प्लानिंग्स राइट हैंड रूल एक्सप्लेन टू यू बेटा। ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको, अदरवाइज तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल बेटे हम अपना राइट हैंड अगर होल्ड करें, दिस इज माई राइट हैंड बेटा, राइट हैंड होल्ड करके फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द इंड्यूस्ड करंट एंड द थंब, इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर प्रोवाइडेड दीज आर हेल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये वाला जो रूल है इसको आप बेटे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया करते हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के साथ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो बताता है। यहाँ पे आपने कंडक्टर को खुद मूव करवा रखा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा, दैट प्रोड्यूस करंट इज कॉल्ड बेटा आपका इंड्यूस करंट बेटा। और ये जो इंड्यूस करंट है इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है इसके लिए बेटे आप अपना राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज किया करते हैं बेटा। सो आइए अब इसको रूल को बेटे इन द एक्चुअल सेंस अप्लाई करके देखें कि करंट की डायरेक्शन कैसे होती है। एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं, जस्ट टू गिव यू द व्यू ऑफ दिस ओवरव्यू ऑफ दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और यहां पे उसी मैग्नेट का साउथ पोल है। आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरफ डायरेक्टेड होता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी। अब आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर जो है इनटू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड मूव करवा दिया। जब आप इसको इनटू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड मूव करवाओगे इस कंडक्टर के अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके लिए हमने बेटे राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना है। आई विल अप्लाई दिस, आई विल होल्ड माई राइट हैंड फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर फील्ड की तरफ ही है, थंब को मैं अंदर की तरफ पॉइंट कर देता हूँ, तो यू कैन सी दिस फिंगर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बेटा। तो ये आपका इसमें करंट जो है इंड्यूस्ड करंट जो है दैट विल बी फ्रॉम ए टू बी। अगर आपका कंडक्टर जो ए है इट इज बेटा मूव्ड इन द इनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड बेटा, इन दिस वे बेटे आप इसको समझ सकते हैं। राइट बेटे, सारे स्टूडेंट्स को अगर बेटे ये अप्लाई करना आ गया है तो बता दीजिए एक बार, मैं आगे चलूं फिर। ऑल ऑफ यस सर। ओके बेटे, नाइस। ठीक है जी बेटा, एक बार मैं फिर भी दोबारा बता देता हूं, इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, आपने ये एक कंडक्टर को ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ मूव करवा दिया। जब आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख रहे हो आप लिखोगे, आप अपनी नोटबुक की हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल पेज पर आपने एक मैग्नेट बिटे और वो जो आपका बिटे ड्रॉ किया है आपने मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, आप एक कंडक्टर को अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द नोटबुक एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो, उसमें करंट आपका ए से बी की तरफ प्रोड्यूस हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड और ये मेरा थंब अंदर की तरफ एंड फील्ड इस तरफ, ये नीचे वाला फिंगर मुझे ए से लेकर बी तक डायरेक्शन में करंट की जो है डायरेक्शन बता देगा। सो दिस इज द वे वी आर टू अप्लाई प्लानिंग्स राइट हैंड रूल। सो डियर चिल्ड्रन विद दिस लेट अस कम टू द केस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या चीज है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होगा एंड ऑल दैट बेटा। आइए देखिए, आपको याद होगा कल से पहले हमने बात की थी मैग्नेटिक फ्लक्स की बेटे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है एक बार फिर आपको थोड़ा गाइड करूंगा। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बेटा इसको आपने फाई से डिनोट किया था एंड इट वाज
the total number of magnetic lines of force passing through the given surface area, और आपने इसको बी ए कॉस थीटा कुछ ऐसे किया था डिस्कस, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स की दैट विल बी इक्वल टू बी इनटू ए, बिकॉज कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, जीरो जब आप एंगल थीटा ले लेते हो। सो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट गिव्स यू नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक विद द गिवन सर्फेस एरिया when that surface area is placed in the uniform magnetic field at some angle theta, और वो एंगल आप ऐसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इमेजिन करिए बेटे एक मेरे पास ये क्वाइल है, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक सिंगल टर्न क्वाइल का है, जैसे रिंग होता है उस फॉर्म में हमने ये क्वाइल लिया। इस क्वाइल के साथ हमने एक बेटा गल्वेनोमीटर जो है ये अटैच कर रखा है। गल्वेनोमीटर बेटे एक वो डिवाइस होता है जो आपको इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस या एब्सेंस बता देता है कि किसी सर्किट में करंट है कि नहीं है, कितना है कितना नहीं है। उसके लिए एमीटर यूज करते हो आप, यहाँ पे ये सिर्फ आपको बताएगा कि आपके सर्किट में करंट है कि नहीं है। अगर करंट ज्यादा है तो गल्वेनोमीटर ज्यादा बड़ी डिफ्लेक्शन शो कर देगा, अगर करंट थोड़ा है तो इसकी डिफ्लेक्शन थोड़ी कम होगी, अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, और आपके पास एक बच्चों बार मैग्नेट, कल बार मैग्नेट की आपने काफी डिटेल में बात की थी, बार मैग्नेट का नॉर्थ, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल, इसको आपने यहाँ पे फिक्स करके रखा हुआ है, आप मूव नहीं करवा रहे हो। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड होती है ऐसे, तो इट विल मीन दैट बेटा कि आपके बार मैग्नेट को जब आपने यहाँ पे रखा हुआ है उसकी थोड़ी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इतने एरिया के साथ, ये एरिया है इसके साथ लिंक हो रही है, और आपका टाइम टी इज इक्वल टू टी वन जब आपने लिया, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है फाई वन के बराबर आपने कह दिया। फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक विद दिस रीजन। इसके बाद आपने क्या किया, मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवा दिया, उससे क्या होगा, इसके साथ और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक होगी, नजदीक आ गया है, और एट सम अदर टाइम टी इज इक्वल टू टी टू, मे बी फ्यू सेकेंड्स के बाद, फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के बाद, आपका फ्लक्स जो है इट इज फाई टू। और डियर चिल्ड्रन, चेंज इन द फ्लक्स दिस इज इक्वल टू फाई टू फाइनल माइनस फाई वन इनिशियल, आप इसको डेल्टा फाई कह सकते हैं, आप डेल्टा फाई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और कॉरस्पॉन्डिंगली टाइम टेकन बच्चों कितना है, टाइम टेकन आपके पास है जी टी टू माइनस टी वन, और आप इसको डेल्टा टी कह सकते हो बेटा। एक हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, आइए देखें वो क्या कहता है बेटा। फैराडेज, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो लॉज हैं फैराडे के। पहला लॉ हमें कहता है व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए रीजन इज चेंज्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्वाइल इज चेंज्ड, लिंक्ड विद ए वायर इज चेंज्ड, इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड लॉ हमें कहता है कि इंड्यूस्ड EMF है कितनी प्रोड्यूस हुई, तो आइए वन बाई वन जरा इनको बेटे समझें, लेट अस फोकस अपॉन दिस कंसेप्ट बेटा। फर्स्ट लॉ फैराडे का, फर्स्ट लॉ जो है बेटा, इट स्टेट्स दैट व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with a coil is changed an induced
EMF is produced in the coil. और अगर बेटी इंड्यूस ईएमएफ होगी तो डेफिनेटली करंट भी होगा बेटा, ये तो कोई ऐसी बात है नहीं. इसके बाद सेकंड लॉ हमें क्या कहता है इसका, फैराडेज का सेकंड लॉ जो है बेटा, इट स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. Coil के साथ magnetic flux जो आपने link किया हुआ था उसमें कितनी चेंज आ रही है, ये उस चेंज को और उस टाइम को रिलेट करके आपको बता देता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके सर्किट में कितनी प्रोड्यूस हुई है. सो बच्चों ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं मैं, ये देखें आपके पास, देखो डियर चिल्ड्रन चेंज इन द फ्लक्स आपने डेल्टा फाई निकाल रखा है. अब उन्होंने सेकेंड लॉ में कहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई This is directly dependent on change in the flux divided by time taken. This is rate of change of flux हो गया बेटा. और अगर मैं इसको हटा दूं proportionality sign को, मेरे पास आ जाता है minus delta phi upon delta t. Minus का sign होता है बेटा indicate करने के लिए कि जो induced EMF है ये अपने ही cause को oppose किया करती है. आगे चल के detail में बताता हूँ आपको. आप यहाँ पे इसके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू माइनस वन कह सकते हैं. अब डियर आदित्य, हाँ जी रिपीट कर देता हूं बेटे, मैं रिपीट कर देता हूं सेकंड लॉ. सेकंड लॉ हमें कहता है कि इस क्वाइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. बेटे फिर से देखिएगा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस क्वाइल में जो इंड्यूस हुई है, इस क्वाइल में जो प्रोड्यूस हुई है, ये इस क्वाइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ पड़ा है उसकी चेंज कितने टाइम में आई, उस रेशो के बराबर है चेंज इन द फ्लक्स डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. इसको बोल देते हो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. So I hope the things are clear now, dear children. Arman, Arman, Arman. हाँ बताता हूँ बेटे, बताता हूँ. ठीक है बेटा. ये बेटे माइनस साइन हमें ये बता देता है कि जब आप मैग्नेट को इस तरफ मूव करवा रहे हो, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, पैदा हो रही है, करंट पैदा हो रहा है, ईएमएफ पैदा हो रही है. अब देखो जब आप मूव करवाओगे आपको करंट मिल रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो हम इसको फ्रीक्वेंटली मूव करवाते रहेंगे और इसमें करंट प्रोड्यूस होता रहेगा. लेकिन हमारे पास एक ये भी तो बात है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. जब आप इसको इसके नजदीक लेके आओगे आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा. ये क्वाइल इस मैग्नेट का इस तरफ जो मोशन है उसको अपोज करेगी, और अपोज जब करेगी तो आपको उस अपोजिशन के अगेंस्ट मैग्नेट को मूव करना पड़ेगा. यू विल हैव टू परफॉर्म सम वर्क, यू विल हैव टू डू सम वर्क, और वही वर्क डन इसकी एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाएगा. फिर से समझिएगा एक बार, ये क्वाइल इस मैग्नेट के अपनी तरफ मोशन को अपोज करेगी. ये इस नेगेटिव साइन का मतलब है. अब ये अपोज कैसे कर सकती है, ये बड़ा पॉइंट है. अब जब आपका नॉर्थ पोल इस तरफ आ रहा है तो ये क्वाइल तभी इसको अपोज कर सकती है अगर ये क्वाइल में इस डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाए, ताकि जिधर से नॉर्थ पोल आपके बाहर मैग्नेट का आ रहा है, क्वाइल के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल उधर हो जाए.
आपको याद होगा शायद हमने पहले बात कर रखी है कि अगर बच्चों करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो डियर चिल्ड्रन नॉर्थ पोल बन जाया करता है, और अगर बच्चों करंट जो है क्लॉकवाइज हो जाए तो आपका वहां पर मैग्नेट का साउथ पोल बन जाया करता है। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ मेमोरी एड। अब जरा डिटेल में समझिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपके क्वाइल की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो क्वाइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा हो गया, और उससे करंट से क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर का स्केल ऐसा होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर के मिडल में जीरो होता है, इधर एक दो तीन ऐसे करके तीस तक, इधर एक दो तीन ऐसे करके तीस तक, आपने शायद लेबोरेटरी में देखा होगा। जब इसमें करंट पैदा हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर आपका ऐसे डिफ्लेक्शन शो कर देगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, बार मैग्नेट को पीछे ले गए वापस। अब आपके इस क्वाइल ने फिर उसके पीछे को मोशन को भी अपोज करना है। अब वो अपोज कैसे करेगा, इसमें करंट एकदम बदल जाएगा। करंट जब आप इसको बैकवर्ड लेके जा रहे हो तो करंट आपका बेटे जो है इस केस में क्लॉकवाइज हो जाएगा। मैं इधर बना के बता देता हूं, ये आपका क्वाइल और आपने ये गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है, और अब आप क्वाइल को यहीं पे रखे हुए हैं, लेकिन इस बार मैग्नेट को इधर लेके जा रहे हो, तो जब आप इधर लेके जाओगे क्लॉकवाइज करंट एकदम इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब बेटा ये होगा कि इसका एकदम से साउथ पोल बन गया। ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, आप इस मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट मैग्नेट को मूव करवाओगे, आपको काम करना पड़ेगा, और वही वर्क डन की कॉस्ट पर आपको इंड्यूस ईएमएफ जो है यहां पर मिल जाएगी, और अगर इंड्यूस ईएमएफ मिल गई तो करंट भी मिलेगा। अब सेकेंड टाइम जब आप इसको वापस लेके जा रहे थे, क्योंकि डायरेक्शन अब देखिए करंट की उल्टी हो गई है, आपका गैल्वेनोमीटर भी दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर देगा। आपको बहुत बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बार मैग्नेट आप ऐसे इसके नजदीक लेके आ रहे हो, फिर आप उसको वहीं पे पकड़ के बैठ गए, फिर आप उसको पीछे ले गए हो, तो आपके गैल्वेनोमीटर ने पहले इधर डिफ्लेक्शन शो की फिर इधर, और आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। सो डियर चिल्ड्रन वंस अगेन, जब आप बार मैग्नेट को क्वाइल के नजदीक लेके आ रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट चेंज इन द फ्लक्स आ गया, फ्लक्स में चेंज आ रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी देयर, और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर है तो आपके क्वाइल में करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन अगर कोई कहे नहीं जी मैंने मूव नहीं करवाना, मैं तो इसको यहाँ पे रख के बैठूंगा, तो क्या इसमें करंट होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज जब आप मैग्नेट को पकड़ कर बैठ जाओगे फ्लक्स में चेंज आएगा ही नहीं, डेल्टा फाई विल बिकम जीरो, और अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा डेल्टा फाई जीरो हो जाएगा, तो डियर चिल्ड्रन ईएमएफ देखिए अपने आप जीरो हो गया, और अगर ईएमएफ नहीं है तो करंट हो नहीं सकता, बिकॉज ईएमएफ और करंट रिलेटेड है। आइए आपको बताऊं आगे चल के कि कैसे रिलेटेड है। तीसरी बात, आप बार मैग्नेट को पीछे ले गए, जब आप पीछे लेके जाओगे आपके इसके साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज आएगी, चाहे इंक्रीज आए चाहे डिक्रीज आए, चेंज तो आ रही है, अगर चेंज आ रही है तो आपका डेल्टा फाई का कुछ वैल्यू है, और इंड्यूस ईएमएफ भी बच्चों डेफिनेटली होगा। अब थोड़ा मैं एक मिनट के लिए आपको आगे ले चलूं, फिर आपसे बात करता हूं बेटे, थोड़ा सा एक और पॉइंट समझिएगा। अब डियर चिल्ड्रन, आपको बड़े अच्छे से पता है कि चाहे ये कॉपर का कॉइल हो, कॉपर की वायर को आपने ऐसे फोल्ड किया हो, या अल्मीनियम हो, या सिल्वर भी ले लो, तो भी इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना बेटा। लेट अस इमेजिन दैट कि कैपिटल आर जो है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, और अगर रेजिस्टेंस है आप अच्छे से जानते हैं आई आपका वी ओवर आर होता है, और वी की जगह पे आप ई भी लिख सकते हो, और ई
आपका यहां पर ये इंड्यूस ईएमएफ के बराबर है। इंड्यूस ईएमएफ आर क्या है, आपकी इस कॉइल का, इस वायर का रेजिस्टेंस है। सो आप इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ये वाली यहां पे पुट कर दीजिए, आपको आपका करंट मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1/r, ये एंड डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इतना करंट आपका सर्किट में पैदा हो रहा है। इसकी डायरेक्शन आप अकॉर्डिंगली जो है मैनेज कर सकते हैं कंडक्टर्स के केस में। सो दिस इज द केस ऑफ बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल दैट। सो डियर चिल्ड्रन, मे आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। अदिति, आदित्य, अंकिता, अरमान, दीक्षा, सारे स्टूडेंट्स का नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, लिस्ट में मेरे पास सबसे एंड में पुष्कर रोल नंबर 35, जानवी, जपलीन, जपजोत, सारे बच्चों को पुत्र जी क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। प्रभगुन, हरगुन, वेरी नाइस बेटे, बहुत बढ़िया। तो आइए एक आधा क्वेश्चन मैं देखता हूं बेटे, आपको इसके साथ रिलेटेड करवाने की कोशिश करता हूं, उससे आपका कंसेप्ट जो है और भी बेटे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपका इंड्यूस ईएमएफ के साथ रिलेटेड कुछ हम देखते हैं बेटा, कोई कोई न्यूमेरिकल वगैरह मिल जाए तो फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि आपके जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैं, इनके बेसिस पे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे बेटे जरूर जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो यू आर टू बी वेरी 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 केयरफुल, अदरवाइज फिर बेटे हमारा जो है इसमें। अच्छा बेटे, एक चीज आपको मैं डिस्कस करनी रह गई मेरी, एसी और डीसी के बीच में फर्क मैं आपको आई थिंक नहीं बता पाया हूँ, आइए थोड़ा सा वो भी मैं एक बार आपको बता दूं, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, इन दोनों में क्या फर्क है, एसी और डीसी कैसे होते हैं, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है, कौन सी चीज डेंजरस है, कौन सी चीज डेंजरस नहीं है, वगैरह वगैरह। आइए देखें बेटा, लेट अस हैव द केस ऑफ एसी एंड डीसी बेटा, एसी एंड डीसी, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग करंट, राइट जी, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बेटा, करंट ले लूं वर्टिकल एक्सिस पे, इधर मैं टाइम ले लूं, इधर करंट इमेजिन कर लूं, तो अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरीके का होता है बेटे, दिस वे, इन दिस मैनर, इसको बेटा साइन वेव कह देते हैं। ध्यान से देखिएगा, करंट लगातार लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पे मैक्सिमम हो गया, फिर कम होने लग गया, इतने टाइम के बाद करंट यहां पे पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव हो गया, लेकिन लगातार चेंज उसमें फिर भी आ रहा है। अल्टरनेटिंग करंट बेटी वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलता रहता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली बदल जाती है। अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द करंट, डिफाइंड एज द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा टाइम पीरियड टी हो जाता है, इट विल मीन दैट कि हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में एक बार डायरेक्शन बदल गई, फुल टाइम पीरियड में दो बार डायरेक्शन बदल जाएगी। आपको पता है एसी की फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज होती है, इसका मतलब है 50 साइकल्स आपके एक सेकंड में एसी के एग्जिस्ट करते हैं, और डायरेक्शन कितनी बार बदल गई, 50 को दो बार एक में साइकिल में बदली है ना, तो 100 टाइम्स डायरेक्शन जो है ये चेंज हो जाएगी, एसी की फ्रीक्वेंसी इतनी
एसी की वोल्टेज घर पे जो आप यूज करते हो 220 वोल्ट होती है, और करंट हमारे घर के यूज के लिए 5 एम्पियर होता है। और बेटे जो आपके छोटे इंडस्ट्रियल आपके यूनिट्स हैं वहां पर 15 एम्पियर, और बड़े हैवी इंडस्ट्री में ये 25 एम्पियर तक हो सकता है, लेकिन प्रॉबेबली हम यही यूज करते हैं। राइट जी, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, 220 वोल्ट पे आपकी घर की सप्लाई चल रही है जहां पे आप बैठे हो, 5 एम्पियर का करंट जनरली घर में अवेलेबल रहता है, और एसी को प्रोड्यूस करना इजी, इसको इजी है प्रोड्यूस करना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ट्रांसमिशन कहना चाहिए राधर, इसकी जो ट्रांसमिशन है वो भी इजी, इसको प्रोड्यूस करना आसान, इसको ट्रांसमिट करना बाकी घर घर में डिस्ट्रीब्यूट करना आसान, और एक समस्या है इसकी, इट इज डेंजरस, ये अगर हम गलती से टच कर लाएं कर जाएं इसको, इट इज इट गिव्स अस द शॉकिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और अगर ज्यादा स्वियर शॉक हो तो मेजर एक्सीडेंट का ये रीजन भी बन सकता है। तो ये आपका एसी के साथ रिलेटेड कुछ है, और अगर आप करंट की इक्वेशन लिखना चाहें, इट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आई का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी कह लो इसको, और ऐसे ही अगर आप वोल्टेज लिख लोगे, इट विल बी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई को ई से आपने रिप्लेस कर दिया, वोल्टेज की इक्वेशन आपके पास आ जाती है। डीसी की बात करें, अगर आपने ये वर्टिकल एक्सिस पे करंट लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने टाइम कंसिडर किया, आपका डायरेक्ट करंट कुछ इस तरीके का होता है, जनरली ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, मैग्नीट्यूड इसका बदलता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदल नहीं सकता, डीसी आपका वेरिंग भी हो सकता है, डीसी आपका ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाने का मतलब हो जाएगा फिर इसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली बदल रही है, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। ये आपका फिक्स्ड डायरेक्ट करंट है, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है, ये दोनों ग्राफ्स आपके वेरिंग डायरेक्ट करंट को शो कर देते हैं। और डियर चिल्ड्रन, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, बदल नहीं रही साइन इसका, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव नहीं हो रहा है, और ये इसकी वोल्टेज जो है ये लो वोल्टेज होती है, जनरली 2 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक आप अपने घर में यूज करते हो, कार की बैटरी आपने सुनी होगी जरूर, वो ज्यादा से ज्यादा कार ट्रक बस की बैटरी जो है 12 वोल्ट तक उनकी वोल्टेज अवेलेबल रहती है, इसको डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करना जो है इट इज नॉट इजी, आपको केमिकल्स वगैरह डालने पड़ते हैं, बैटरी बनानी पड़ती है, फिर उसको केमिकल्स को उनका अपना डेंजरस इफेक्ट होता है, हाथ लग जाए एसिड को तो आपके हाथ में बर्निंग हो सकती है, कपड़े खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं, तो इजी नहीं है काम ये। और डीसी की ट्रांसमिशन जो है दैट इज अगेन नॉट इजी, लेकिन इसकी एक प्लस पॉइंट ये है कि डायरेक्ट करंट जो है बेटा इट इज नॉट डेंजरस, ये ज्यादा डेंजरस नहीं होता, आपने घर पे देखा होगा सेल का आप अगर कनेक्शन कर देते हो, आप डायरेक्ट करंट कैरियिंग वायर को अगर हाथ भी लगा देते हो तो कोई ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है, लेकिन कार की बैटरी के सर्किट को अवॉइड करना है, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, 2, 4, 6 वोल्ट तक अगर आप अपना करंट कैरियिंग सर्किट में अगर आपका हैंड टच कर भी जाए तो दैट क्रिएट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा। तो ये आपका बेटे डीसी और एसी में फर्क है, डीसी को प्रोड्यूस करना आसान नहीं, डीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं, और डीसी डेंजरस नहीं, एसी को प्रोड्यूस करना आसान, एसी को ट्रांसमिट करना आसान, लेकिन एसी को हाथ लगाना डेंजरस। सो दीज आर द पॉइंट फ्रॉम माई साइड, किसी भी बच्चे को कोई बात नहीं पता चली तो बताइए, अदरवाइज आई विल बी एंडिंग द मीटिंग ओवर हियर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल टेक अप लेटर ऑन। यस बेटे, ऑल ऑफ यू, अदिति, अदित्या, अंकिता, अरमान, अशीन, प्रगुन, हरगुन,
सारे स्टूडेंट्स बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है? अच्छे अंक, ओके नाइस बेटा, ओके बेटे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल टेक लेटर ऑन, थैंक यू ऑल बेटे।